हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। जैसा कि आपको पता होगा कि 2018 के बाद अभी तक कोल इंडिया लिमिटेड या उसकी किसी भी सब्सिडरी के द्वारा स्टेचुअरी पोस्ट का वैकेंसी रेगुलर नहीं आया है, और पिछले दो सालों में कोई भी स्टेचुअरी पोस्ट का वैकेंसी कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सब्सिडरी कंपनी की तरफ से नहीं निकाला गया है। यही वैकेंसी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए, उसके लिए 17 मार्च 2021 को DGMS के मेन गेट के बाहर प्रदर्शन किया गया था, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया गया था, धरना दिया गया था। और ये मांग रखी गई थी DGMS के मुख्य द्वार पे कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये वैकेंसी निकाली जाए, जितने भी स्टेचुअरी पोस्ट के जो वैकेंसी है जितनी जल्दी से जल्दी एज पॉसिबल एज वो वैकेंसी निकाली जाए। वैकेंसी निकालने को लेकर हजारों की तादाद में कैंडिडेट ने DGMS के मेन गेट के बाहर में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें DGMS के DG श्री प्रभात कुमार जी ने ये आश्वासन दिया था कि 30 दिन के अबाउट में जो वैकेंसी है उसको लेके मैं कदम उठाऊंगा, और जितने भी सब्सिडरीज कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड को लेके और उसकी सब्सिडरीज कंपनी, उन सभी को मैं इंडिविजुअली लेटर भेजूंगा ताकि वैकेंसी जल्दी से जल्दी निकाली जाए। उसके बाद 5/4/2021 को कोल इंडिया लिमिटेड ने जितने भी सब्सिडरी कंपनीज है उनके S&R GM को लेटर भेजा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कोल इंडिया लिमिटेड के इतने ये सब्सिडरी कंपनी में पावरमैन और माइनिंग सरदार के इतने 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 पोस्ट में है जो वर्कमैन अभी काम कर रहे हैं ऑन रोल बेसिस पे, और ये सब जो पोस्ट हैं इतने इतने वैकेंसीज अभी खाली हैं, और इसमें रिडक्शन को लेकर सुझाव मांगा गया था। देन अगेन 28/4/2021 को DGMS ने कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन को एक लेटर भेजा था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि ओवरमैन और माइनिंग सरदार का पोस्ट जो है स्टेचुअरी पोस्ट जो है वो जरूरत से ज़्यादा खाली है, यानी माइनिंग सरदार का 28% और ओवरमैन का 19% पोस्ट जो है वो कम था, और उतने कम पोस्ट में कोल इंडिया लिमिटेड काम कर रही है, जिसको DGMS ने कहा था कि रूल रेगुलेशन के हिसाब से ये आप नहीं कर सकते हैं, तो इसको लेके जल्दी से जल्दी कदम उठाइए। ये ऑर्डर दिया था कोल इंडिया लिमिटेड को कि इस कमी को दूर कीजिए, जो 28% और 19% का रिस्पेक्टिवली कमी है उसको आप जल्दी से जल्दी दूर कीजिए। DGMS के लेटर भेजे जाने के बाद भी 1 महीने से ऊपर का टाइम हो गया और अभी तक कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी किसी भी सब्सिडरी कंपनी से कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है। 17 मार्च 2021 को जो वैकेंसी से लेके स्ट्राइक किया गया था, जो धरना प्रदर्शन किया गया था, उसमें नारे भी लगाए गए थे, रोजगार दो या मौत दो, वैकेंसी दो या मौत दो। ऐसे नारे लगाने के बाद भी कैंडिडेट ने ये भी कहा था कि अगर 1 महीने के अंदर वैकेंसी नहीं आती है तो जितने भी ऑल ओवर इंडिया के माइनिंग के कैंडिडेट हैं वो सभी DGMS के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे और तब तक विरोध करेंगे जब तक वैकेंसी नहीं निकाली जाती है, और अगर फिर भी कोई कदम नहीं उठाया गया तो वो आत्मदाह भी करेंगे। इतने सेंसिटिव बात कहने के बाद भी कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी किसी भी सब्सिडरी कंपनी में अभी तक 2.5 से 3 महीना होने चला है, अभी तक कोई भी स्टेचुअरी पोस्ट की वैकेंसी नहीं निकाली गई है। ये बहुत दुख की बात है। आप में से बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि अभी कोविड का पैनडेमिक है, लॉकडाउन वाला टाइम चल रहा है, अभी वैकेंसी कैसे निकलेगा, ये सब सिचुएशन पार हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वैकेंसी निकलेगा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो इस पैनडेमिक में, इस लॉकडाउन के सिचुएशन में वैकेंसी निकाली है। जैसे मैं बात करता हूँ AMC अल्मोरा मैग्नेसाइट लिमिटेड, इसके द्वारा भी वैकेंसी निकाला गया था 27/3/2021 को, जिस टाइम पीक पे था सेकेंड फेज। देन NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी निकाला गया था, ये भी इस कोविड पैनडेमिक में ही निकाला गया था। OCPL यानी ओडिशा कोल पावर लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी निकाला गया था, जो अप्रैल महीने में निकाला गया था, और आपको पता होगा कि ओडिशा में अप्रैल महीने में लॉकडाउन लगाया गया था। देन CSR यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च के द्वारा भी अप्रैल में वैकेंसी निकाला गया था, जिसका हेड ऑफिस रांची में है, और उस टाइम लॉकडाउन का सिचुएशन था। एक महारत्न कंपनी NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी है, सबसे बड़ी पावर कंपनी है, इस कंपनी के द्वारा भी वैकेंसी निकाला गया था एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, जो इस पैनडेमिक सिचुएशन में निकाला गया था। NTPC के जितने भी प्लांट अलग अलग स्टेट में है, ज्यादातर स्टेट में लॉकडाउन है, फिर भी ये वैकेंसी निकाली गई है NTPC के द्वारा, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। अभी 26 मई 2021 को वैकेंसी निकाला गया था अलग अलग पोस्ट का, जो एक नवरत्न कंपनी है। डिप्टी जनरल मैनेजर से लेके शॉर्ट फायर तक का वैकेंसी निकाला गया था। ये तमाम वैकेंसी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सभी वैकेंसी तब निकाले गए थे जब देश में लॉकडाउन चल रहा था, पैनडेमिक सिचुएशन चल रहा था। पिछले बार जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, बंगाल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसी निकाली गई थी, वो भी लॉकडाउन के सिचुएशन में निकाली गई थी। तो सवाल ये है कि NTPC जैसे महारत्न कंपनी
एनएमडीसी जैसे नवरत्न कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी, इतनी सारी कंपनीज अगर इस सिचुएशन में वैकेंसीज निकाल सकती है तो कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सब्सिडरी कंपनी क्यों नहीं निकाल सकती है। तो ये मनगढ़ंत बात तो दिमाग से निकाल दीजिए कि इस पैनडेमिक सिचुएशन में कोल इंडिया वैकेंसी नहीं निकाल सकती है। कोल इंडिया एक महारत्न कंपनी है और एनटीपीसी भी एक महारत्न कंपनी है। जब एक महारत्न कंपनी वैकेंसी निकाल सकती है तो कोल इंडिया लिमिटेड वैकेंसी क्यों नहीं निकाल सकती है। अब कल्पना कीजिए कि एक कैंडिडेट डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग करता है, 3 साल उसको टाइम लग जाता है, उसके बाद 2 साल का वो पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करता है, ये सब खत्म होने में गवर्नमेंट सर्टिफिकेट आने में लगभग 5 साल का समय लग जाता है। गैस टेस्टिंग क्लियर करता है, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाता है, तो 5 साल का टाइम लगाने के बाद भी अगर 2 साल तक लगातार वैकेंसी ना निकले, टाइम तक अगर किसी कैंडिडेट का एज पार हो जाएगा वैकेंसी ना निकले, तो सोच के देखिए कि वो कैसा विडंबना होगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका एज पार हो चुका है, 2018 में, 19 में, 20 में उसका एज पार हो गया है, और अभी भी आने वाले 2-3 महीने में बहुत सारे कैंडिडेट का एज जो है वो क्रॉस करने वाला है। अगर वो अपर एज लिमिट का क्राइटेरिया का भी लाभ लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तब भी वो वैकेंसी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर एक कैंडिडेट 5 साल माइनिंग में झोंकने के बाद भी माइनिंग का फॉर्म भरने के लायक नहीं रहता है, तो क्या फायदा ऐसी डिग्री का, ऐसी क्वालिफिकेशन का। ये वीडियो शायद मैं नहीं बनाता, लेकिन माइनिंग के बहुत से कैंडिडेट हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली फोन करके, व्हाट्सअप करके, मैसेज करके, किसी भी तरीके से संपर्क करके ये बातें बताई हैं, और बहुत सारे माइनिंग के कैंडिडेट एक ट्वीट अभियान के लिए अपील किए हैं। तो मैं भी उन सभी के तरफ से, माइनिंग कैंडिडेट की तरफ से आपसे अपील करना चाहता हूं कि अगर आप कोल इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी देखना चाहते हैं, अगर आप इसके किसी भी सब्सिडरी कंपनी में वैकेंसी देखना चाहते हैं, अगर आप वेट कर रहे हैं वैकेंसी का, तो वेट करने से काम नहीं चलेगा। आप ट्वीट कीजिए, अगर ट्विटर में ट्रेंड करना है जिसका चांसेस थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी आप कोशिश जरूर कीजिएगा ताकि आपको बाद में अफसोस ना हो। कि अब हाथ से हाथ धरने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी का सिचुएशन जो है वो करो या मरो वाला सिचुएशन है। तो मैं आप सभी से, जितने भी माइनिंग के कैंडिडेट है, चाहे वो कोल सेक्टर है या मेटल माइनिंग वाले हैं, जो मेटल माइनिंग वाले कैंडिडेट है वो सोचेंगे कि हम क्यों ट्वीट करें कोल इंडिया लिमिटेड वैकेंसीज को लेकर। कोल इंडिया लिमिटेड का जैसा सिचुएशन है, अभी वैकेंसीज नहीं आ रही है, इसमें जितने भी कोल सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कोल इंडिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो कैंडिडेट परेशान है, और इस परेशानी में आप उनकी मदद कीजिए। जब आपकी परेशानी होगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो कैंडिडेट आपकी जरूर मदद करेंगे। माइनिंग के पूरे इंडिया में जितने भी कैंडिडेट हैं, उन सभी कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस ट्वीट अभियान में जरूर पार्टिसिपेट करें, जरूर भाग लें। 5 जून 2021 को 3:11 आपको ट्वीट करना है। आप कोई भी हैशटैग का यूज कर सकते हैं, जैसे वैकेंसी दो या मौत दो, हैशटैग रोजगार दो या मौत दो, या फिर हैशटैग कोल इंडिया लिमिटेड वैकेंसी निकालो, ऐसा कोई भी हैशटैग आप यूज कर सकते हैं। साथ ही आपको उनको टैग करना है लेबर मिनिस्ट्री को, यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को, कोल इंडिया हेडक्वार्टर को, जितने भी ट्वीट हैंडल मैं बता रहा हूँ साइड में आ रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रहलाद जोशी को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और पीएमओ इंडिया ऑफिस को, इन सभी को आप टैग करके ट्वीट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने अभी कदम नहीं उठाया तो शायद बहुत देर हो जाए। तो मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी माइनिंग सेक्टर के कैंडिडेट हैं या फिर एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो कोल माइनिंग से हो, मेटल माइनिंग से हो, वो जरूर से जरूर इस अभियान में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आप सबके मदद के बिना ये संभव नहीं हो पाएगा। और मैं आश्वस्त करता हूँ कि मेटल माइनिंग वाले कैंडिडेट के साथ जब भी कभी कोई प्रॉब्लम होगा, तो कोल माइनिंग वाले जो कैंडिडेट है वो उनके साथ खड़े रहेंगे। देश में 1 लाख से ज्यादा माइनिंग के सिर्फ कैंडिडेट हैं, 5 लाख से ज्यादा माइनिंग के इम्प्लॉयज हैं, अगर वो सभी ट्वीट करते हैं तो किस लेवल तक ये बात जा सकती है, आप कल्पना कर लीजिए। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंचेगा, हो सकता है 500 लोगों तक पहुंचे, हो सकता है 1000 लोग ही देखें, हो सकता है 2000 तक ये वीडियो सिमट जाए, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप इंस्टाग्राम में पोस्ट करना चाहते हैं, टेलीग्राम में करना चाहते हैं, फेसबुक में, आप कहीं भी कर सकते हैं, इवन आप अगर यूट्यूब में इस वीडियो को डाउनलोड करके अपलोड करना चाहते हैं फिर से, या इसके किसी भी सेगमेंट को, तो आप अपलोड कर सकते हैं। अगर यूट्यूब की तरफ से बाय डिफॉल्ट अगर कोई कॉपीराइट क्लेम आता है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी को मैसेज कीजिएगा, मैं आपका कॉपीराइट क्लेम वापस ले लूंगा, या फिर आप राइट डिस्प्यूट भी कर सकते हैं, मैं उसको हटा लूंगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंचेगा, ये आप लोगों के ऊपर है कि इस मुहिम को आप कितना सफल बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम कोई गलत चीज नहीं मांग रहे, हम बस वैकेंसी मांग रहे हैं, बस हम अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।